हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में कई ऐसे लोग भी संक्रमित हो गए जो घर में ही रह रहे थे। आखिर वो कैसे इन्फेक्टेड हो गए? इस सवाल का जवाब हमें हांगकांग में कोविड पर की गई एक स्टडी से मिल सकता है, जिसमें कोविड इन्फेक्शन की वजह बाथरूम पाइप में पाए गए। वहीं अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कह रहा है कि कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है। आखिर इन अटकलों और स्टडी में कितनी सच्चाई है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए एक्सपर्ट्स की मदद से तैयार इस रिपोर्ट में। की इस खबर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। खबर ही ऐसी थी, एक बहुमंजिला इमारत में एक दूसरे से 10 मंजिल दूर रहने वाले लोग कोविड-19 पॉजिटिव हो गए। हांगकांग के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में पाया था कि कोरोना का यह संक्रमण बिल्डिंग के सीवेज पाइप से फैला था। इसके बाद हांगकांग के अधिकारियों ने उस पूरे ब्लॉक के हर फ्लैट को खाली करा लिया था। सबके कोविड टेस्ट कराए गए। हांगकांग में जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया परेशान हो गई। पहले आप पूरी खबर जानिए। हांगकांग में एक बहुमंजिला इमारत के दो अलग अलग फ्लोर पर रहने वाले दो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उस समय वहां टोटल लॉकडाउन लगा हुआ था। पहले 75 साल के बुजुर्ग संक्रमित हुए और कुछ दिन बाद उसी इमारत में 10वें फ्लोर पर नीचे रहने वाली 62 बरस की महिला भी कोविड संक्रमण का शिकार हो गए। जल्द ही उनका परिवार भी संक्रमित हो गया। सबसे पहले संक्रमित हुए दो लोग एक ही ब्लॉक में लेकिन एक दूसरे से 10 मंजिल दूर रह रहे थे। उन लोगों के संक्रमित होने के बाद हांगकांग के स्वास्थ्य विभाग में जांच की, पता ये चला कि इन फ्लैट्स में टॉयलेट के पाइप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इन्हीं के जरिए अलग अलग मंजिलों पर रह रहे लोग कोरोना से संक्रमित हुए। देखिए ये हाईराइज बिल्डिंग्स में, खास करके जो हांगकांग जैसा कंट्री है, ये भी देखना पड़ेगा कि वो सेंट्रल एयर कंडीशन बिल्डिंग है जिसमें सब कॉमन है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि करीब करीब 10%, 2-10% लोग जो कोविड से संक्रमित होते हैं वो अपने जो उनके जो स्टूल है उसमें वायरस को एक्सक्रीट करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो टॉयलेट्स में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना है। इसमें जो मर्स हुआ था पहले, मिडल ईस्ट जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला इलनेस था, उसके अंदर भी ये डॉक्यूमेंट किया गया था कि ये जो है टॉयलेट से या फीसेस से इसका जो जो उससे ड्रॉपलेट बनते हैं उससे ये संक्रमण बढ़ सकता है। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज रही, लेकिन अभी एक इस साल भी एक स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है कि जब भी हम फ्लश करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स बनते हैं वो पार्टिकल्स करीब 1.5 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं और काफी देर तक, 30 मिनट तक भी, बल्कि कुछ स्टडीज में तो 3 घंटे तक वो वहां तक रह सकते हैं। सवाल ये है, हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बात का पता कैसे लगा कि कोरोना का संक्रमण इमारत के पानी और सीवेज के पाइप के जरिए अलग अलग फ्लोर पर रह रहे लोगों तक फैल रहा है? इसमें हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारियों के काम का 17 साल पहले का वो तजुर्बा काम आया जब चीन और हांगकांग में सार्स कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ था। तब स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपनी जांच में पाया था कि सार्स कोरोना वायरस सीवेज पाइप के जरिए एक बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर में फैल गया था। 2003 में हांगकांग में भी 300 से ज्यादा लोग सार्स कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इनमें से 42 लोगों की जान चली गई थी। इसकी बड़ी वजह प्लंबिंग के पाइप की खराब डिजाइन थी जिसके चलते बिल्डिंग के उस ब्लॉक में सार्स कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया था। के अंदर से जो टॉयलेट की जो सीवेज की पाइप्स है इससे वो ट्रेवल करना थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल है। इसके लिए शायद डॉक्यूमेंटेशन और चाहिए, लेकिन संभावना कंप्लीटली रूल आउट नहीं की जा सकती है नॉलेज के साथ।
असल में संक्रमित व्यक्ति के मल से कोरोना वायरस सीवेज सिस्टम में पहुंच जाता है। हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारियों की जांच में ये पता चला कि टॉयलेट के यू शेप के पाइप में पानी निकलने के बाद कुछ वायरस रह जा रहे थे, फिर फ्लश चलाने पर वायरस पानी की बूंदों के साथ हवा में मिल जाते थे। इस बाथरूम का इस्तेमाल करने वाले टॉयलेट के फ्लश से निकले एरोसोल से संक्रमित हो रहे थे। जिन इमारतों में ऐसे एक दूसरे से जुड़े सीवेज सिस्टम है, वहां कोरोना वायरस के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक फैलने का खतरा है। अगर किसी बहुमंजिला इमारत के ब्लॉक की ऊपरी मंजिल पर वायरस से संक्रमित लोग थे तो उनके बाथरूम या वेंट पाइप के जरिए वायरस नीचे के फ्लोर पर रहने वाले लोगों तक पहुंचकर उन्हें संक्रमित कर सकता है। हमने देखा है कि ये जो फीसिस में जो एक्सक्रीटा होते हैं, वायरस बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि जब हम बाथरूम में जाते हैं तो नोज एंड माउथ भी क्लीन करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रॉपलेट क्रिएट होता है। तो इसलिए जो बाथरूम होते हैं, बाथरूम की एनालॉजी दूसरे ड्रॉइंग रूम या बाथरूम जितने भी दूसरे रूम नहीं किया जाता। दूसरी चीज हम हमेशा एडवाइज करते हैं कि बाथरूम पर्टिकुलरली जहाँ पीछे साफ होती है, ज्यादातर हमारे हाई राइज बिल्डिंग साफ होते हैं, कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जिनमें थ्री साइड या टू साइड ओपन होते हैं, बट मोस्टली जो होती है वो उनमें साफ्ट होते हैं बीच में, तो फायर फैन भी देर तक रह सकता है प्लेट के थ्रू। हम प्लस करते हैं तो वहां पर उससे भी पहले से जो जनरेट ड्रॉपलेट होती है बाथरूम, और पर्टिकुलरली जब हम टॉयलेट की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और हर आदमी जल्दी जल्दी उसमें एक के बाद दूसरा आना चाहता है, तो टाइम नहीं मिलते हैं, एग्जॉस्ट भी मूवी लाइट वगैरह नहीं होती है, तो उनकी साइड कोई प्रोसीजर नहीं होता, तो जो पब्लिक टॉयलेट है वो सोर्स हो सकते हैं। इस बार बहुमंजिला इमारत में वायरस का संक्रमण मिलने के बाद हांगकांग के अधिकारियों ने वहां रह रहे लोगों को कुछ सावधानियां बरतने को कहा, जैसे कि अपने बाथरूम के पाइप की नियमित रूप से सफाई करें, बाथरूम पाइप के लीकेज होने पर उसे तुरंत बंद कराएं, फ्लश करने से पहले टॉयलेट सीट को ढक दें। ये बात हमारे देश के उन लोगों के लिए भी अहम है जो किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, उन्हें भी ये सावधानियां बरतनी चाहिए। पिछले दिनों अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका लेसेंट ने कहा था कि अब कोरोना वायरस हवा से भी फैल रहा है। भारत में भी वायरस एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि लोगों को अब अपने घर में भी मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए। हवा से कोरोना वायरस फैलने का मतलब क्या है, पहले वो समझिए। जब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये कहता है कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है तो उसका मतलब है कोरोना वायरस हवा में मौजूद कणों से भी फैल सकता है। ये संक्रमित व्यक्ति की छोड़ी हुई सांस और कफ की बारीक बूंदों से फैलता है। असल में बात करने, सांस छोड़ने, छींकने, खांसने से संक्रमित व्यक्ति से वायरस बाहर निकलता है। डॉक्टरों की भाषा में कहें तो इन्हें माइक्रो ड्रॉपलेट या एरोसोल कहा जाता है, क्योंकि ये बेहद महीन कण होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आराम से हवा में उड़कर एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा सकते हैं और दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। ये हल्की बूंदे कमरे में मौजूद दूसरे लोग सांस के साथ अपने अंदर लेकर वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। ये एरोसोल 6 फुट तक हवा में तैर कर जा सकते हैं। बंद कमरों या जगहों पर इसका खतरा ज्यादा होता है, खुले में ऐसे एरोसोल से संक्रमण कम फैलता है। क्लोज वेंटिलेशन यानी जहां पर सेंट्रलाइज एसी सिस्टम से एक बड़े इलाके को ठंडा किया जाता है, जैसे मॉल, सिनेमा हॉल या ऑफिस, वहां भी सांस से निकले छोटे कणों या एरोसोल से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। हवा से फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, ड्रॉपलेट है, एरोसोल है, ये जो है डिस्कशन जो है भर समय से चल रही है। जब से कोविड आया है तो बार बार पहले ये कहा गया कि ये ड्रॉपलेट है, एयरबोर्न नहीं है, लेकिन अब जो क्योंकि हम इससे जूझ रहे हैं तो इससे लगातार हमारी इंफॉर्मेशन और हमारा डेटा जो हमें मिल रहा है उससे करंटली जो है बहुत चीज़ें ये सजेस्ट करती हैं कि एयरबोर्न है। और दूसरी बात ये भी है कि इससे हमारे जो रिएक्शन में या हमारे बिहेवियर में या हमारी अप्रोच में क्या फर्क पड़ता है। अब जो आपने ये बात कही कि टॉयलेट से जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही की है वो भी हवा से ही फैल रहा है, क्योंकि अगर वो टॉयलेट में जब हम फ्लश करते हैं और उससे जो वो एरोसोल बनते हैं वही हम वहां भी यही बात कर रहे हैं कि हवा से फैल रहा है। शुरू शुरू में आपको याद होगा कि क्वायर्स में, म्यूजिक हॉल्स में, इवन चाइना में पहले एक बस में
कई जगह ऐसा सुपर स्प्रेडर इवेंट हुए जहां पे कि कई लोग जो बहुत दूर थे एक सुपर स्प्रेडर से वो लोग अफेक्टेड हुए। तो ये कहीं ना कहीं सबके दिमाग में चल रहा था कि क्या ये हवा से संक्रमित हो रहा है, और जब ये होना शुरू हो गया कि जो लोग आपसे फिजिकली डिस्टेंस्ड हैं, जो लोग आपके पास में नहीं आए हैं, जब उनको इन्फेक्शन शुरू हुआ तब ये बात धीरे धीरे सिंक इन करने लग गई कि ये हवा से संक्रमण हो रहा है। क्योंकि अगर वो सिर्फ ड्रॉपलेट से होता है तो जो व्यक्ति आपसे दूर है उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकती, या जो आदमी दूसरे कमरे में है। और हमने ये देखा कि अब स्टडीज में कि एयर कंडीशनिंग डक्ट्स के अंदर वायरस पाया गया, उसके फिल्टर के अंदर वायरस पाया गया, और ऐसी बहुत सारी जो एविडेंस इनडायरेक्टली मिले जिससे साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि डेफिनेटली इसमें एयरबोन का रोल है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये बातें मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका लैसेंट के हवाले से कही थी, जिसने कोरोना वायरस पर लेटेस्ट रिसर्च प्रकाशित की थी। वायरस के एयरबॉर्न होने या हवा में फैलने का मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस हवा में बचा रहता है, मतलब ये कि संक्रमित लोगों के बोलने, खांसने, छींकने या गाने से कुछ बेहद बारीक बूंदें निकलती हैं जो हवा में तैरकर दूसरे लोगों तक पहुंच जाती हैं। जब भी कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस होता है, बहुत पुराना एग्जाम्पल हम ट्यूबरकुलोसिस का देंगे, और डॉक्टर मल्होत्रा ने बहुत अच्छा एक दूसरा एग्जाम्पल जो एक्सट्रीम पर दिया वो मीजल्स का दिया। दोनों का बड़ा एक फंडामेंटल होता है कि जब भी हम घर में रहते हैं तो घर में सारी विंडो खोलें और हवा का जितना सर्कुलेशन होगा वो हमारे लिए कम से कम इन्फेक्शन लेके आएगा। क्लोज्ड की बात है जहां का स्पेसिफिक क्वेश्चन है एयर कंडीशन का, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। विंडो एसी एंड कूलर ये दोनों बिल्कुल सेफ हैं, अपने अपने रूम में लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जहां तक सेंट्रल एरिया में है और अगर उसमें यूवीजीआई लगी हुई है या फिल्टर, प्लाज्मा फिल्टर लगा हुआ है तो वो भी सेफ हो सकता है। लेकिन प्रीफरेबली ये रहेगा कि आज की डेट में जिस तरह से ये म्यूटेंट वायरस और जिनकी इन्फेक्टिव डोज बहुत कम है कंपेरेटिवली, जैसा कि हम देखते थे पुराना वायरस जो ओरिजिनल वायरस आया था उसके कंपेरिजन में इसकी जो इन्फेक्टिव डोज बहुत कम है, तो हम एडवाइज यही करेंगे कि कोशिश करें कि कूलर से काम चलाएं या जो विंडो एसी से काम चलाएं। बड़ा सवाल यह है कि किसी के खांसने, बोलने, छींकने या सांस छोड़ने से निकला वायरस कितनी देर तक हवा में जिंदा रहता है। क्योंकि वायरस स्वतंत्र रूप से जिंदा नहीं रह सकता, वो परजीवी होता है, उसे अपनी आबादी या ताकत बढ़ाने के लिए किसी और जीव की भी मदद चाहिए होती है। वायरस के हवा में एक्टिव रहने का समय टेम्परेचर और नमी पर निर्भर करती है। तमाम वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि कोरोना वायरस ठंडे और कम नमी वाले माहौल में ज्यादा देर तक एक्टिव रहता है और लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस श्रीलंका में पाया गया वेरिएंट हवा में 24 घंटे तक एक्टिव देखा गया। हालांकि इतने समय तक वायरस तभी हवा में बचा रह सकता है जो जगह बंद हो, जहां वेंटिलेशन अच्छा ना हो। जो कोविड का वायरस है वो उसमें R0.2.5 के आसपास है, और हम ये जानते हैं कि माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स कॉज मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन, तो हर आदमी इक्वली इन्फेक्टिव नहीं है, हर एक आदमी में वायरल लोड ज्यादा नहीं है। तो अदरवाइज जैसे हम घबराते पैनिक करते कि एयरबोर्न हो गया अब तो पूरा भारत बिल्कुल किसी टाइम में इन्फेक्ट हो जाएगा, ये अब दिखाया गया कि कुछ सुपर स्प्रेडर्स ही हैं जिसको तेजी से बढ़ाते हैं, और इसीलिए शायद इसका मैग्नीट्यूड इतना नहीं है जितना किसी एयरबोर्न इन्फेक्शन जैसे मीजल्स है उसमें होता है। लेकिन उससे ये जरूर है कि अगर ये हमें लगना शुरू हो गया कि एयरबोर्न है, तो अब जो मास्क की, डबल मास्क की, प्रॉपरली फिटिंग मास्क की, इंडोर क्राउडिंग नहीं करने की, एयर कंडीशनिंग की, इस सब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसका थोड़ा संज्ञान लेना जरूरी। एक्सपर्ट लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और वैक्सीनेशन से ही हराया जा सकता है। हांगकांग के तजुर्बे से साफ है कि हमें अब इसमें बाथरूम पाइप की लीकेज प्रूफ रखने और टॉयलेट सीट ढक कर ही फ्लश चलाने की सावधानियां भी जोड़ लेनी चाहिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।